हुई है, तोड़फोड़ हुई है, गाली गलौच हुआ है नर्सिंग स्टाफ के साथ। नाइट ड्यूटी में डॉक्टर थे उनके साथ। बाहर चलिए भैया, बाहर जाइए भैया, हम लोग को डर लग रहा है, हम लोग ड्यूटी पे, आप लोग बाहर जाइए। सामाजिक तत्व अंदर घुस जा रहे हैं, लेबर रूम में चला जा रहा है, ऊपर पेशेंट अपने माँ बच्चे रहते हैं उनके पास चला जा रहा है, कुछ भी बात हो जा रही है। तो यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर और स्टाफ सारे के सारे हड़ताल पर हैं और ये लोग भी परेशान हैं। यहाँ हंगामा हुआ है वो तो हमको नहीं मालूम, मगर यहाँ पर ना पर्ची कट रहा है, ना डॉक्टर देख रहे हैं, ना कुछ दी, बहुत परेशानी। कल हमको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा फिर बताइए। आपातकालीन कक्ष यानी इस अस्पताल की सारी सुविधाएं आपको 24 घंटे इस आपातकालीन कक्ष में मिलेगी। आज सुबह 6 बजे स्कॉर्पियो में तकरीबन 5 लड़के आते हैं और आते ही जो है यहाँ पर बहसबाजी और तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। कारण ना यहाँ के स्टाफ को समझ आया, ना यहाँ के डॉक्टर्स को समझ में आया। इसकी जो अपडेट्स हम आपको लगातार दे रहे हैं, लेकिन एक अपडेट और है। 6 बजे की इस घटना के बाद अस्पताल की जो स्थिति है हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मगर इस अस्पताल के तमाम और डॉक्टर और स्टाफ इस अस्पताल के ठीक बाहर जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति रखी गई है वहाँ पर पूरा घेर कर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए, चाहिए, चाहिए। इसी अस्पताल में खासकर जो शासकीय या फिर सिविल अस्पताल हो, ये अस्पताल सुपेला का सिविल अस्पताल है जहाँ पर इस प्रकार की घटना हुई है। 5 लड़के स्कॉर्पियो में आते हैं और दबंगाई करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, वार्ड बॉय को मारते हैं और बहस भी करते हैं। इस प्रकार के दृश्यों को यहाँ के डॉक्टर स्टाफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उन्हें अपने आप को लेकर एक महिला होने के नाते असुरक्षा महसूस हो रहा है। सुरक्षा हमारा अधिकार है, सुरक्षा हमारा अधिकार है। बात करने की कोशिश करते हैं, जो बातचीत है वो भी मैं आपको लगातार दिखाएंगे। इस प्रदर्शन में उन वो स्टाफ और डॉक्टर महिलाओं ने क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। मैम क्या कुछ हुआ था सुबह? इसके बारे में मैडम अच्छे से बताएगी। यहाँ अप्रिय घटना हुई है, तोड़फोड़ हुई है, गाली गलौच हुआ है नर्सिंग स्टाफ के साथ। नाइट ड्यूटी में डॉक्टर थे उनके साथ, तो मैडम ज़्यादा अच्छे से बताएगी क्योंकि वो ऑन ड्यूटी में थी। मैडम आप ऑन ड्यूटी रहे हैं, उसके बाद क्या कुछ हुआ बताइए। 4-5 लड़के आए थे, मुंह बांधे हुए थे सबने, कुछ ने मुंह खोले हुए थे और आके यहाँ पे वार्ड बॉय के साथ बदतमीजी करी उन्होंने। हमारे यहाँ जो पुलिस के एक भैया थे उनके साथ भी उन्होंने हाथापाई की बदतमीजी की, तोड़फोड़ मचाया हॉस्पिटल के अंदर। उनका जो ड्यूटी रूम था वहाँ पे तोड़फोड़ मचाया, हमसे भी थोड़ा ऊँची आवाज़ में बात करी, बदतमीजी करी है। हमको पूछ रहे हैं, हम पूछे कि क्या हो गया बताइए, आपको इंजेक्शन लगवाना है, दवाई चाहिए, क्या चाहिए, किसको दिखाना है, तो कुछ नहीं बताया उन्होंने, बस अपना ही गाली गलौज करते हुए चले गए। एक दो लोग थे, नहीं वो पर्पस तो हमको नहीं पता, वो दिखाने हो सकता है वो दिखाने आए हो, लेकिन अव्यवस्था जैसी तो कोई चीज़ नहीं थी। 23 नंबर में पर्ची कटती है, उनको बोला कि अब जाके पर्ची कटा के लाइए। अब पर्ची कटाने के नाम पे वो इतना क्यों भड़क गए ये हमको नहीं समझ में। पर्ची कटाएंगे तब तो इलाज होगा ना उनका। सिविल अस्पताल में ऐसी घटना इससे पहले हुई? आप लोगों ने कभी इस प्रकार की चीज़ों को? कई बार होती रहती है, छोटी मोटी घटनाएं तो हमेशा होती ही रहती है, ऐसा नहीं है कि एकदम बड़ी घटना मतलब ऐसा, लेकिन बदतमीजी है, ऊंची आवाज में बात करते हैं कई बारी पेशेंट अटेंडेंट। आप लोग, आप सभी स्टाफ जो हैं विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग है आप लोगों की? नहीं, मांग तो पुलिस प्रोटेक्शन की है कि मतलब तीनों शिफ्ट में कम से कम 2-2 पुलिस वाले होने चाहिए। चौकी का निर्माण के लिए कब से बोला है, चौकी का निर्माण हो जाए तो कम से कम जो अंदर जा रहा है या अंदर से बाहर आ रहा है उसका निगरानी तो रख सकेंगे कि कौन जा रहा है। कोई भी असामाजिक तत्व अंदर घुस जा रहा है, लेबर रूम में चला जा रहा है, ऊपर पेशेंट अपने माँ बच्चे रहते हैं उनके पास चला जा रहा है, कुछ भी बात हो जा रही है। तो सिविल अस्पताल में सुरक्षा के अगर कायदे से देखा जाए तो महिलाएं डॉक्टर के लिए स्टाफ के लिए क्या सुरक्षा है? एक ड्यूटी पे रहते हैं, वो भी नाइट में रहते हैं, कोई सुरक्षा की वो नहीं है। आज तो उन्हीं के साथ मारपीट हो गई तो वो हम लोगों को कैसे प्रोटेक्शन देंगे? वो भी तो इंसान है, वो भी तो अपनी जान बचाएंगे। जब उनके साथ ही मारपीट हो रही है तो वो हमारा व्यवस्था के लिए कैसे बैठेंगे? जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ के स्टाफ और महिला डॉक्टर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, हड़ताल पर बैठ गए हैं और हड़ताल के कारण देखिए उस ओर जो है हड़ताल पर बैठे हुए तमाम स्टाफ यहाँ मौजूद हैं और बाकी जो स्टाफ है वो अंदर जो मैनेजर का कक्ष रूम होता है वहाँ पर डिस्कशन चल रहा है कि क्या किया जाए। और इस तरफ लोग सुबह से आए हैं एमरजेंसी कक्ष, जैसे कि आपातकालीन कक्ष मैंने आपको दिखाया है विजुअल में, और वहाँ की क्या स्थिति वो भी हमने आपको दिखाया है। यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ इलाज नहीं हो रहा है, डॉक्टर और स्टाफ सारे के सारे हड़ताल पर हैं और ये लोग भी परेशान हैं, तो इनकी परेशानी को समझते हैं।
और जब किसी अस्पताल में डॉक्टर स्टाफ हड़ताल पर चले जाते हैं तो बाकी जो मरीज जो अपना चेकअप कराने आए हैं उन पर क्या बीतती है, इसको भी थोड़ा करीब से देखना ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं। सुबह 6 बजे घटने के बाद जो असर है वो खासकर उन सभी पर पड़ रहा है जो यहाँ पर इलाज के लिए मौजूद हैं कुछ काफ़ी घंटों से। कितने बजे आए हैं? 9 बजे से। तो आप जब OPD गए और आपातकालीन इमरजेंसी के लिए सेवा के लिए गए थे, क्या कुछ हुआ? तो जैसे अपन 9 बजे आए ना, तो अपन यहाँ आए तो देखे तो भाई लोग दीदी लोग हड़ताल में हैं बोल के आज काम नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मतलब ये है भैया, मान लो ऐसे इस दौरान में अगर किसी मरीज को कुछ हो जाता है जी या कुछ परेशानी आ जाता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? हमारे कहने का मतलब यही है बस भैया, और कुछ नहीं है। लगभग सभी लोग इसलिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ पर इलाज नहीं है। हम लोग, हाँ सर, मैं मितानिन हूँ और आज जी और आज वो NC date भी है 24 तारीख वाला, तो उसमें सुबेरे से पब्लिक आ जाती है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और एक प्रकार का ये भी है कि जब डॉक्टर ही सेफ नहीं है तो फिर जनता की सेवा कैसे करेगा, और डॉक्टर ये बैठ जाएगा तो फिर जनता भी सेफ नहीं रहेगी। अब मैं इमरजेंसी पेशेंट लेके आई हूँ, कल सोनोग्राफी मतलब उनका डेट निकल चुका है डिलीवरी का, पर उनको भर्ती कराने के लिए कोई बता ही नहीं पा रहा है कि भर्ती होगा कि नहीं होगा। देखिए कुछ 5-6 लोगों के उड़दंग से देखिए दो पक्ष जो है काफ़ी परेशान है, एक तो डॉक्टर है, दूसरे वो लोग जो यहाँ पर चेकअप कराने के लिए रोज़ाना आते हैं, और वो मितानिन जो अपने साथ और तमाम लोगों को लेकर आती हैं यहाँ पर। इस प्रकार के जो दृश्य है आप लगातार देखते होंगे अस्पतालों में, मगर सुपेला के सिविल अस्पताल में जो अभी की व्यवस्था है, जो अभी की अवस्था है, उसका जो पूरा नजराना है आपने पूरा इस वीडियो में देखा होगा। KP News लगातार इस प्रकार की खबरों को आपको बड़े ही संवेदनशील तरीके से दिखाता है, करीब से दिखाता है। और भी मेरे से यहाँ खड़े कोई डॉक्टर नहीं है, सुबह कुत्ता काटा है, इंजेक्शन लगाना है। आपको काटा है कुत्ता? हाँ, तो वो सुबह से खड़े है आके, यहाँ हंगामा हो गया है वो तो हमको नहीं मालूम, मगर यहाँ पर ना पर्ची कट रहा है, ना डॉक्टर देख रहे, ना कुछ, बहुत परेशानी। कल हमको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा फिर बताइए। देखिए इस प्रकार के बच्चे बीमार है, इसके पैर में भी चोट लग गया, इसके पेट में दर्द हो रहा है, उल्टी हो रहा है, लैट्रिन हो रहा है, सुबह से खड़ी हो, कोई डॉक्टर भी नहीं है, मतलब इतना हड़ताल है उन लोग का। बोल रहे हड़ताल नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे, नहीं खोलेंगे बोल रहे, हम लोग खड़े हैं क्या करेंगे अब। चलिए ठीक है, देखिए इस और दो बच्चे मौजूद हैं, और इन दोनों बच्चे हैं बीमार है, एक का पेट दर्द हो रहा है और एक को चोट लगी है, और ये लोग काफ़ी घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं, इलाज के लिए इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पे, और मुंह बांध के रख रहे थे, शराब के नशे में रहते हैं, और इलाज के बहाने आए थे, और इलाज चल भी रहा था। उनको बोला गया कि इलाज चालू है, आप पर्ची बनवा लीजिए, तो पर्ची बना, वो बोले कि तू क्या करेगा, तू बना के ला, ऐसा करके गंदी गंदी गालियाँ चालू कर दिया, और मारपीट वार्ड बॉय से किया। उसके बाद पूरे अस्पताल में तोड़ फोड़ करना चालू कर दिया, दरवाज़ा को तोड़ा है, कांच को तोड़ा है, स्किनर को तोड़ा है, बिजली के सामान को तोड़ा है, और पुलिस से मारपीट भी किया है, पुलिस वहाँ तैनात थी, उसके बाद भी पुलिस को भी मारा गया। सर की ओर से हम यहाँ पे FIR दर्ज करा रहे हैं, सारे प्रशासन की ओर से हम दर्ज करा रहे हैं, सभी डॉक्टर उसमें साइन करेंगे, स्टाफ नर्स उसमें साइन करेंगे, क्योंकि इस बात को लेकर सभी लोग इस अस्पताल में, सभी जितनी भी महिलाएँ हैं, अन्य स्टाफ हैं, सभी भयभीत हैं, ताकि भविष्य में ये घटना दोबारा ना हो। अपील हमारा तो TI साहब, सुपेला साहब, थाना वाले से ही हमारा बातचीत चल रही है, कल सुबह, आज सुबह से बात चल रही है, कि उनने अभी बोले भी हैं कि दो दो कांस्टेबल हमको हर पालियों में उपलब्ध कराएंगे, हम मामला, और दो दो तीन लोग फरार है, उसका हम कार्रवाई चाहते हैं। देखिए आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में 5 व्यक्ति आ रखे थे, जिनका नाम क्रमशः गिरीश साहू, मुन्ना, सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे हैं। ये पांचों भिलाई 3 के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो व्यक्ति सागर पटेल है, शराब पीने के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके इलाज के लिए आए थे, शराब के नशे में इन्होंने वहाँ पे जो भी उपस्थित स्टाफ था और डॉक्टर था उनके साथ अभद्रता, मारपीट की है, कुछ शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया है, शासकीय कार्य में बाधा डाला है, विभिन्न धाराओं में और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत उनके विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज कर ली गई, जिसमें 3 व्यक्तियों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर के उनकी गिरफ्तारी कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में उनके विरुद्ध कठोर से कठोर जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। उस प्रकरण के सिलसिले में अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर के और सुरक्षा के आश्वासन के लिए जो भी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं और नर्सिंग स्टाफ वो आ रखे हैं, उनको हमने आश्वस्त किया है, वहाँ पर जो भी सुरक्षा के लिए पुलिस सहायता केंद्र बनाया गया है उसमें एक स्टाफ रात में था वहाँ पे, और अतिरिक्त बल हम तैनात करने जा रहे हैं। फिलहाल ये MLC में स्पष्ट होगा, अभी MLC में जब दो लोग और पकड़ाएंगे, तो फिलहाल अब इसमें जो पटेल है
सागर पटेल और वो नशे में था। गौतम सिंह राजपूत के भी नशे में होने की बात हो रही है, अभी उसका MLC रिपोर्ट आया। देखिए मौके पे वहाँ पे यूनिफॉर्म में कोई भी पुलिस कर्मचारी नहीं था, एक पुलिस कर्मचारी था जो सिविल में था संभवतः, और उसके साथ भी अभद्रता की बात सामने आई है। इस प्रकरण में उसको भी संज्ञान में लेकर के और उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। अब इस प्रकरण में जो तीन व्यक्ति हैं, गौतम सिंह राजपूत, अभय चौबे और सागर पटेल, इस प्रकरण में पुलिस की लगातार चेकिंग चल रही है। अभी पिछले 20 दिनों के अंदर सैकड़ों वाहनों के ऊपर जो हुटर लगा कर चल रहे हैं, जो मोटरसाइकिल और जो गलत साइलेंसर लगा कर चल रहे हैं, इस संबंध में कई कार्रवाई हुई है और आगे भी अनवरत कार्रवाई जारी रहेगी। इस मामले की खबर और लगातार इसके अपडेट हम आपको KP News में लगातार दे रहे हैं। इस और भी अपडेट्स के लिए KP News के साथ बने रहिए। धन्यवाद।